आसंता 6 तारिख रे लघुचाप भिजिपारे ओडिशा आगामी 24 घंटा रे दक्षिण आंडामान रे सृष्टि होबो घूर्णिबलय आगामी 24 घंटा रे कोन रहिछि पाणीपाग एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र रो वैज्ञानिक उमाशंकर दास क सहित अधिक आलोचना करछन्ति हम प्रतिनिधि सत्रुपा सामंतराय। तातिरु मिळिपारे त्राही आगामी 6 लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवापाई जाउछि तेबे एने कोन रहिछि पाणीपाग विभाग रो आकलन वर्तमान स्थिति जो खरा होउछि ताकु नेकी त्राही मिळिपारे कि ए विषय रे संपूर्ण आलोचना करिवापाई आम सहित अछन्ति आंचलिक पाणीपाग विभाग रो वैज्ञानिक उमाशंकर दास अछन्ति सीधा सळक आलोचना करिवा। सर घूर्णिबलय केबे सृष्टि होबो एवं लघुचाप जो कथा उठुछि लघुचाप क्षेत्रटी केबे सृष्टि होबो यार प्रभाव को जगह रे रहिबो केमिति रहिबो देखन्तु जोटा पूर्वरु मध्ये हमर सूचना जारी करा जाइतला 4 तारीख बेलू गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही है जोटा कि दक्षिण आंडामान सगर और तार पार्श्वर्त अंचल जहाँ प्रभाव में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हे 6 तारीख बेलू सामान अंचल अर्थात दक्षिण आंडामान सगर और तार पार्श्वर्त अंचल 6 तारीख में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है। बर्तमान जब देखा तो दक्षिण आंडामान सगर छड़ा बंगोपसगर प्राय अंचल तापमात्रा आम 30 डिग्री उपर रही तेणु आपवर्त जो घनीभूत हाँपाई संपूर्ण पाग अनुकूल रही है कितु बर्तमान जब देखा ता परवर्ती केते रहिबो तार तीव्रता एवं तार गतिपथ कौन रहिबो से विषय आमर कोनोसी आकलन जारी करा जाइनी। सर जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि कथा कहा जाउछि फेवरेबल कंडीशन केते कौन रहिछि केते घनीभूत हो ताकु नै किछ आकलन करा गलानी कि जेहेतु बर्तमान घूर्णिबल सृष्टि होइनी और लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइनी तेणु परवर्ती तीव्रता केते रहिबो से विषय बर्तमान सुधा आकलन जारी करा जाइनी एवं तार गतिपथ मध्य आमर बर्तमान सुधा ता विषय कोनोसी आकलन जारी करा जाइनी तेणु तार गतिपथ आकलन पर ही जना पड़ यह क्यों अंचल प्रभाव पकेबो ता प्रभाव में केते वर्षा हबार संभावना रहउछ। सर जो ताती रो वर्तमान स्थिति रही वर्तमान मध्य ताती रही किंतु पवन रो बेग किछ मात्रा रही कौन आकलन कराई देखो वर्तमान तो तापमात्रा जब देखा किसी दिन पूर्व जो ताती रोला 45 डिग्री पाखापाखि रोला ता तुलन में बहुत तापमात्रा तौक खसी कारण सामुद्रिक वायु बर्तमान ओडिशा उपर प्राय अंचल प्रभाव देखा जहाँ प्रभाव में उपकूल अंचल आप 38-37 डिग्री पाखापाखि रोता बेले आभ्यंतरण जो तापमात्रा रोचे किसी अंचल स्वाभाविक तापमात्रा रोचे प्राय अंचल कि गोटे रू 2 जगार जोटी आप कालबैशाखी प्रक्रिया सामान्य कम रोचे से अंचल आप 2 डिग्री पर्यंत अधिक रोचे गत काली जब देखा पाखापाखि 28 स्थान में दिन तापमात्रा 40 डिग्री किंवा अधिक रेकर्ड होता सर्वोच्च जो तापमात्रा था 43 डिग्री 43.2 डिग्री जोटा संपूर्ण रेकर्ड कर तो आमर अनुमान रोचे आगामी 4-5 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना ना। सर पश्चिम ओडिशा एवं भी तातिल लहर रही केते दिन पर्यंत तातिल लहर रोन स्थित रखे देखा आप बलांगीर है सोनपुर है बौद्ध है ये मे मसर स्वाभाविक तापमात्रा हूँ 40 डिग्री किंवा 41 डिग्री पाखापाखि तापमात्रा रहा कथा तो प्राय अंचल से प्रकार तापमात्रा रोचे विशेष परिवर्तन ना जदि कालबैशाखी अधिक सक्रिय रोचे तेल तापमात्रा सामान्य तौक खसवे संभावना रोचे कि वायु प्रवाह जो रोचे वायुमंडल से विशेष परिवर्तन संभावना ना आगामी 4-5 दिन पर्यंत तेणु अनुमान कि तापमात्रा भी विशेष परिवर्तन ना आगामी 4-5 दिन पर्यंत उपकूल ओडिशा किसी अंचल कालबैशाखी संभावना रोचे ता छड़ा जो पार्श्ववर्ती जिला गुड़िक रोचे जमी मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल ता छड़ा आभ्यंतरण जो रोचे केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ यह सब जिले में आगामी 4-5 दिन पर्यंत कालबैशाखी प्रक्रिया लागि रहिबो तेणु तापमात्रा सहित पागरे विशेष परिवर्तन संभावना ना आगामी 4-5 दिन पर्यंत आगामी 6 तारीख रू कौन पाग पागर किसी परिवर्तन देखा जिबो कि आगामी 24 घंटा भितर जो जो रही घूर्णिबलय सृष्टि होगा जाऊँगी तो ताकु नहीं किसी आकलन कर बर्तमान देखो बर्तमान स्थित तार परवर्ती तीव्रता और गतिपथ जेहेतु आकलन कर प्रभाव क्यों अंचल को रोक केवल ओडिशा नुहे अन्य कौन अंचल को रोक विषय में कौन से आकलन जारी कर परवर्ती समय जितेबाला आप दुई दिन पर जितेबाला लघु क्षेत्र सृष्टि आप 6 तारीख बेलू परवर्त स्थित जितेबाला तार गतिपथ और परवर्त तीव्रता के आकलन करते संपूर्ण भाव चित्र स्पष्ट हो क्यों अंचल यार प्रभाव रहा प्रभाव में केते परिमाण वर्षा कि क्यों अंचल को प्रभावित करने को जाऊँगी संपूर्ण भाव चित्र स्पष्ट होगा।